अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां एसपी नवनीत भसीन को हेल्पलाइन नंबर पर मुखबिर से सूचना मिलने के बाद हनुमाना पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप की खेप स्कॉर्पियो वाहन से लोड कर यूपी से एमपी की तरफ लाई जा रही थी। एसपी के निर्देश पर एसपी मऊगंज विवेक लाल, एसडीओपी मऊगंज नवीन दुबे द्वारा बनाई गई टीम में शामिल हनुमाना थाना प्रभारी सैर यादव, नागेंद्र यादव, नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर, शाहपुर थाना की वर्तमान प्रभारी प्राज्ञा पटेल सहित उनकी टीम ने घेराबंदी की थी। पुलिस की घेराबंदी देख हनुमाना से शाहपुर रोड में नशीली कफ सिरप से लोड वाहन को छोड़कर तस्कर फरार हो गए। वाहन नंबर के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप जब्त किया है। जल्दी खड़ा हुआ यार, तू लखा था यार। थाना हनुमाना प्रभारी को यह सूचना मिली कि कुछ जो कोरेक्स के कारोबारी थे वो स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ कोरेक्स लेके जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस जो है पहले से घेराबंदी करके उनका इंतज़ार कर रही थी। पुलिस को देख करके जो है टटीरा की तरफ स्कॉर्पियो गाड़ी जो है भागी, उसमें दो लोग सवार थे और वो बहुत ही गति से अपनी वाहन को चलाए। पुलिस ने पीछा किया तो काफ़ी थोड़ा डिस्टेंस हो गया था और फिर एक जगह वो समझे कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो वो गाड़ी रोक करके और कूद के भाग गए। वो पुलिस चूँकि वो गाड़ी तेज चल रही थी इसलिए उसका जो सड़क से जो धूल है वो काफ़ी मात्रा में उड़ रही थी, जिससे सामने की विजिबिलिटी बहुत कम थी और इनका डिस्टेंस भी लगभग 1.5 किलोमीटर का था। और इसका लाभ लेकर के वो भाग गए। पुलिस ने जो है टीम बना करके अन्य थानों के सहयोग से उनको तलाशने का प्रयास किया लेकिन वो दस्तयाब नहीं हुए। घटनास्थल से स्कॉर्पियो गाड़ी और पेटियों में भरा हुआ जो कोरेक्स है उसको जब्त किया गया, थाने लाया गया, उसकी संख्या देखी गई तो उसमें 4500 सीसियाँ हैं कोरेक्स, जिसकी अनुमानित लागत 675,000 रुपये आंकी गई है। और ये उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही थी।